हम रोज बेचते हैं यहाँ पे यहाँ पे रोज बेचते हैं हम शाम का सात बजे तक भी बैठ जाता है एक दिन तो चीफ सेक्रेटरी का बर्थडे था बोल के बर्थडे मना रहा था तभी हम सात बजे तक यार रुक गए कि मेरे किस का क्यों कहता कि मेरा बेली डे फिर भी कुछ और कंक्रीट एक्शन नहीं ले रहे बोल के हम वेट करते हैं यहाँ पे यहाँ पे रुक रुक के साहब को घर को इतना लेट से जाके पूरा तक के आता दो तीन दिन पूरा बुखार चढ़ने तक तो हम लोग का तकलीफ कौन सुनेगा बता हम लोग पहुंचे थे तकरीबन 11 बजे को हम लोग पहुंचे थे अफसु आंसू न्यूज बनाने के बाद हमको लगा कि इनका जो है आवाज को उठाया जाना चाहिए उन्होंने हमें ये कहा कि अरुण भूमि के माध्यम से आप न्यूज थोड़ा चला दीजिए हमको कहा तो हमने बाद में जाना कि का कारण क्या है किस कारण से आपको अवॉइड किया जा रहा है किस कारण से आपका बात को अनदेखा अनसुना किया जा रहा है उनसे हमने बात की तो उन्होंने हमको पूरा डॉक्यूमेंट को दिखाया उसका बाद ये कहा कि जो 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 डॉक्यूमेंट उसके पास है पूरा वेलिड है और जेन्यून है और जो वो मांग कर रहा है वो भी जेन्यून है बात यहाँ यहाँ पर अतकता है कि चीफ सेक्रेटरी को ये मिलना चाह रहा है सुबह से बेहतर हम लोग भी साथ में रुके थे कि चीफ सेक्रेटरी इसका बात को लेकर के क्या बात करता है अभी अभी उनका मुताबिक ये कह रहा है कि चीफ सेक्रेटरी को बकायदा अपॉइंटमेंट लिया हुआ है हमने पहले भी कहा था कि हर जगह में ये एक होता है कि जहाँ पर अपाइज होता है हम लोग बोलते हैं पी यानी पर्सन विथ डिसएबिलिटी हम लोग ये बोलते हैं कि जो अपवाहिज होता है उसको कहीं भी दफ्तर में जो है उसके लिए या फिर महिला के लिए होता है कि अगर आप मेट्रो में भी जाता है तो मेट्रो में महिला के लिए पहले टिकट टिकट की सुविधा है अगर कोई अपाहिज भी आता है तो उनके लिए अलग सुविधा है तो उनके लिए भी यहाँ पर भारत भारत सरकार में ये चीज़ सुविधाएँ दी जाती है लेकिन अरुणाचल में ऐसे क्यों होता है कि अपाहिज यहाँ पर अपना बात को रखने के लिए मुख्यमंत्री के ऑफिस तक आता है चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस तक आता है सजेता जैसे ऑफिस में जाता है और अपना बात को रखने के लिए कोशिश करता है लेकिन उसका बात को अंध

तो उस समय से लेकर के एक लेक्चरर पोस्ट के लिए उन्होंने से कमिशन में जो है झगड़ा करना शुरू किया कि हम लोगों को यानी पीडब्ल्यू डी को क्यों यहाँ पर रिजर्व पोस्ट नहीं दिया जा रहा उसको लेकर के उन्होंने शुरू किया था आपको आप आज चीफ सेक्रेटरी को मिलने आया तो आप पहले कभ, कई साल से मतलब एक साल पूरा हो गया है तो अभी तक रिपोर्ट क्या है अभी तक सर यही कि वो लोग चीफ पहले से हम गवर्नर लोग को भी अप्रोच कर रहा था ना और चीफ सेक्रेटरी पहले वाला जो पुराना वाला चीफ सेक्रेटरी ना वहाँ उस टाइम का केस है ना उससे भी अप्रोच उस टाइम का से अभी तक कर रहे हैं ना तो वो लोग मेरा बोलने वाला को सुनने से वो लोग हाँ प्रूफ को देखकर वो लोग बेली दे बोलते हैं फिर वो लोग लेकिन कुछ नहीं बोल पाते हैं कि हमको एक मतलब एश्योरिटी एक कंपा नहीं दे पाता कि हो जाएगा बोल बस ये कहता है कि कमीशन वाला एक ऑटोनमस बॉडी है तो हम लोग फिर केस को स्टडी करेंगे और कुछ करेगा बोल के फिर ऐसे पेंडिंग करके रखते हैं और हमको फॉलोअप करने के लिए ऑफिस में आते रहना पड़ता है और वो लोग जैसे ऐसे बोलते हैं ना सर ने तो ये चीफ सेक्रेटरी सर जब हम स्टार्टिंग में उसको फर्स्ट एप्लीकेशन सबमिट किया था तो सर ने हमको फिफ्टीन डेज़ का टाइम दिया था कि वो फिफ्टीन डेज का अंडर में कुछ तो मतलब सोल्यूशन कराएगा बोल के लेकिन जब फिफ्टीन डेज क्रॉस हो गया था तब भी कुछ भी रिप्लाई नहीं है तो हम तब से बार बार चीफ़ सेक्रेटरी को मिलने के लिए आया है और वो बोला था फिफ्टीन डेज का बाद आओ बोल के लेकिन हम आते रहे लेकिन सर रे कि हमसे मिलना ही नहीं चाहता है वो पहले तो जब फर्स्ट टाइम हम अपना ग्रेवियंसेस उनके सामने रखा था तो सर चीफ सेक्रेटरी सर भी बोल बोल के कि ये तो गलत हुआ है क्यों ऐसा किया कमीशन वाला बोल के और ओ सर ने भी खुद ओ एस सर जिस जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी का जो उन्हें एक्सप्लेन किया है कि मेरा केस को ना तो वो चीज़ ओ एस डी सर भी बोला कि मेरे साथ बहुत बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है बोल के तो ओ एस डी सर ने भी बोला कि चीफ सेक्रेटरी जो कमीशन वाला से बहुत नाराज है बोल के और मैडम आपके लिए जरूर कुछ करेगा बोल के लेकिन बाद में फिफ्टीन डेज का बाद हम आए तो ना चीफ सेक्रेटरी हमसे मिलने का मूड में रहता हम रोज बैठते यहाँ पे यहाँ पे रोज बैठते हम शाम का सात बजे तक भी बैठ देते हैं इवन एक दिन तो चीफ सेक्रेटरी का बर्थडे था बोल के बर्थडे मना रहता तब भी हम सात बजे तक यार रुका कि मेरा केस क्यों कि वो, वो, वो कहता है कि मेरा बेली ने फिर भी कुछ वो लोग कंक्रीट एक्शन नहीं ले रहे बोल के हम वेट करते दें यहाँ पे यहाँ पे रुक रुक के साहब को घर को इतना लेट से जाके पूरा तक के आधा पूरा दो तीन दिन पूरा बुखार चलने तक तक हो तक के बैठता घर में फिर ठीक होता है, फिर यहाँ आता है, फिर टी सर से मिलने की कोशिश करते हैं, उन लोग हमको एक वो हमको कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस दिन जब वो 15 डेज का टाइम देने का बाद सर हमको क्यों हमको अभी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्यों नहीं बात कर पा रहे क्यों इस दिन सर बोल रहे कि हमको कमीशन ने आपका गलत किए तो कोर्ट केस कर बोल रहा है वो से बोल वो लोग हमको चीफ सेक्रेटरी ओ एस डी सर बोल रहे कि यही करना पड़ेगा चीफ सेक्रेटरी का सर ओ एस डी जो क्योंकि चीफ सेक्रेटरी सर नहीं मिल ओ एस डी सर तो उस उनके भी यहाँ पे बोल रहे है ना हमको सी एम की तरफ से क्या सी एम की तरफ से इसलिए मैंने ये बार बार लगातार होने के वजह से सीएम के पास गया था सी एम सर से मिलने के लिए तो सीएम सर भी नहीं मिल पाते इतना तकलीफ है अगर वैसे हम लोग जैसे आदमी मिल ही नहीं सकते तो सीएम चीफ सेक्रेटरी गवर्नर लोग से मिलने के लिए इतना तकलीफ होता है तो हम लोग का तकलीफ कौन सुनेगा बता क्यों फिर तो स्टेट कमिश्नर पर वी डब्ल्यू डी देना चाहिए था तो हम लोग का अरुणाचल में उन लोगों ने क्यों नहीं दिया तो जो मेरा तकलीफ है जो मेरा डिप्राइवेशन हो रहा है हम किसका पास जाके बोलेगा उन लोगों के पास ही तो आना पड़ेगा ना तो चीफ सेक्रेटरी सर भी अभी फिफ्टीन डेज़ का टाइम है वो करेगा बोल के नहीं कर पाए तो वो हमको अभी बेच नहीं कर पा रहे कन्फर्म नहीं करना चाहते इसीलिए आज भी मैं उसे इतना वेट किया मिलने के लिए सर यहाँ से गुजर के गया है और मैंने सर को सर प्लीज़ बोल के रिक्वेस्ट किया तो सर बात करना नहीं चाहता है और मैंने बोला सर अभी अभी आपने तो देखा ना ऊपर में सीएम से भी मिलने के लिए बेटा तो नहीं मिलने देता कब से हम अपॉइंटमेंट के लिए लेटर सबमिट करके रखा है लेकिन हमको तो अपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं और उसके बाद कमिश्नर टू तो चीफ से चीफ कमिश्नर टू तो चीफ मिनिस्टर सर ने तो आपको बोला था ना कि चीफ सेक्रेटरी को बात कर चुका है बोल के मेरा मैटर में तो अभी हम सर को सर हमको नहीं मिल रहे थे वो बाकी लोग जो भी यहाँ में लाइन लाइन बेहता था सबको मिलता है जो उन उनके लिए बड़ा बड़ा आदमी ले की लेके आता है उनसे मिलता है और हम इतना इतना महीनों से उसका पीछे परा हुआ है हमको नहीं मिला है क्योंकि वो मुझे कंफ्रोल नहीं कर सकता है और आपने खुद सुना ना कमिश्नर तो चीफ मिनिस्टर ने बोला है ना उन्हें कि सी चीफ सेक्रेटरी को मेरे मेरे बेहतर में डिस्कस किया और के बोला है ना तो फिर कहाँ डिस्कस किया आप बताओ सब हमको इतना कर जैसे पासिंग करता है उसके पास जाओ उसके पास जाओ बेचते रहता है हाँ तो इसीलिए तो आपके सामने तो बोला कमिश्नर टू सीएम बोला था कि नहीं इनके सी चीफ सेक्रेटरी को बात कर लिया बोल के तो अभी हम बोला है, तो सर आप कहाँ जरूर सर प्लीज दो मिनट कमिश्नर टू चीफ मिनिस्टर ने बोला कि आपसे बात करो बोले तो वो किसने भेजा तुम्हें किसने भेजा बोल के उधर हाँ ऐसा बोल के चला गया वो उसको तो पता ही नहीं डेट मीन कमिश्नर टू सीएम ने क्यों बोला कि चीफ सेक्रेटरी से बात कर लिया चलो ये ये है एक आम आदमी का जो आवाज है खासकर जो अपाहिज होता है उसका आवाज है अगर उसका आवाज को मुख्यमंत्री नहीं सुनेगा सरकार नहीं सुनेगी छिप से नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा आप लोगों ने सुना और देखा वो बार बार यही अपील कर रहा है कि अगर उनका जो है बात को सुना नहीं जाएगा तो सरकार क्या सरकार चला रही है क्योंकि जो ये जो बेटी है जो रिक्वेस्ट कर रहा है जो मांग में अरा हुआ है इनका बात कहीं ना कहीं लगता है कि सही है क्योंकि उनके बात को भी सुना जाना चाहिए खासकर सरकार को सुना जाना चाहिए और एक बात उन्होंने ये भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट में पी डब्ल्यू जैसे अगर कमीशन होता तो आज उनको यहाँ पर आ कर के अपना जो व्यथा को बताने की जरूरत नहीं होती आप बने रहिए अरुण भूमि तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार